स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट करते समय आपके माइंड में ये सवाल जरूर आता होगा कि हमें स्मॉल कैप फंड कौन से कंपनी से खरीदना चाहिए, क्या SBI का स्मॉल कैप फंड में खरीदना चाहिए या फिर क्वांट के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दोनों में से बेटर कौन है। अगले 10 से 15 साल के लिए यदि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, चाहे आप SIP करना चाहते हो या आप लमसम करना चाहते हो, तो दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए बेटर हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिंकू मौर्य और आप सभी का इन्वेस्टिंग विद मौर्य जी चैनल के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इन दोनों फंड्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड में जो सबसे पहला कंपैरिजन का हमारा पैरामीटर है वो है NAV। तो यदि 16 अप्रैल 2024 की NAV देखें तो यहाँ पे क्वांट का स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं 260 रुपये की इसकी NAV है। वहीं पे SBI स्मॉल कैप का यदि देखें तो 174 रुपये की NAV है। मतलब कि यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक यूनिट के लिए क्वांट म्यूचुअल फंड में आपको 260 रुपये देना पड़ेगा और SBI के स्मॉल कैप फंड के लिए आपको 174 रुपये देना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड इसकी बात करते हैं रैंकिंग की। रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए और ये जो रैंकिंग होती है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिसिल की रेटिंग यदि हम देखें यहाँ पर तो यहाँ 31 दिसंबर 2023 का इनकी रैंकिंग है। क्वांट स्मॉल कैप को इन्होंने 2 की रैंकिंग दी है, SBI स्मॉल कैप को इन्होंने 5 की रैंकिंग यहां पे दी हुई है। नेक्स्ट है स्टार्ट डेट। क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी पुराना, लगभग 26 से 27 साल हो चुके हैं इस फंड को लॉन्च हुए हुए। 24 नवंबर 1996 को ये फंड स्टार्ट किया गया था। वहीं पे SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये 5 सितंबर 2009 को ये फंड स्टार्ट हुआ था, तब से ये फंड मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर है फंड साइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड को डिसाइड करने के लिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। फंड साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लो साइज वाला जो फंड होता है एक्टिवली मैनेज फंड उसको अवॉइड करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी फंड साइज 17,349 करोड़ रुपये क्वांट म्यूचुअल फंड में मैनेज किए जा रहे हैं। SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें 25,435 करोड़ रुपये का इसका फंड साइज है। अब यहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें, यदि कोई व्यक्ति लमसम करना चाहता है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में उसको मिनिमम 5,000 रुपये देना पड़ेगा तभी वो लमसम कर सकता है। SBI स्मॉल कैप फंड में पहले लमसम की सुविधा थी लेकिन अब यहां पे इसको बंद कर दिया गया है। यदि SIP की यदि हम बात करें तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये चाहिए क्वांट स्मॉल कैप फंड में स्टार्टिंग करने के लिए, लेकिन SBI स्मॉल कैप फंड में स्टार्ट करने के लिए आपको 500 रुपये की SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति, काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो SBI के स्मॉल कैप फंड्स में स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हैं। और ये जो फंड साइज है 25,435 करोड़ का, हो सकता है कि ये जो SIP की अमाउंट है कम होने की वजह से इसमें ज़्यादा लोग अपनी SIP लगाए हैं मिनिमम अमाउंट का, इसलिए इनका फंड साइज भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड का ये AUM है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसमें लमसम भी चालू है और SIP भी चालू है, तो इसमें पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं लमसम के थ्रू, इसके वजह से इनकी फंड साइज क्या हो रही है कि आगे बढ़ती जा रही है। तो यदि पिछले 20 साल का यदि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसने 18.19% का इसने रिटर्न हर साल बना करके दिया है। पिछले 11 साल से यदि देखें तो डायरेक्ट प्लान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यदि आप 20 ईयर्स का यदि आप देखेंगे तो ये रेगुलर प्लान का रिटर्न है, लेकिन 11 साल पहले डायरेक्ट प्लान आया था, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 11 साल का रिटर्न देखेंगे तो 19.75% इसने जनरेट करके दिया है। पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो 37.72% इसने हर साल एनुअलाइज रिटर्न स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। यदि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 1 साल,
3 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा इनका रिटर्न रहा है। शॉर्ट टर्म में इन्होंने रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं तो SBI का देख सकते हैं पिछले 15 सालों में, यानी कि 2009 से ये फंड आया था, रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूँ, तो 15 सालों में इसने 21.11% का रिटर्न दिया है हर साल। पिछले 11 सालों से यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है डायरेक्ट प्लान में, तब से इसने 25.98% का रिटर्न दिया, यानी कि इसने क्वांट को बीट कर दिया है। ठीक है, यदि 5 साल में भी देखें तो इसने 25.45% का रिटर्न दिया है। तो आप यदि लॉन्ग ड्यूरेशन पे यदि जाएंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन में SBI स्मॉल कैप फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड के मुकाबले अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको देते हुए दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं होल्डिंग की। होल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो आपका यहाँ AUM है, फंड साइज है 17,000 करोड़, 25,000 करोड़, ये पैसा आखिर कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो आप रिटर्न देख रहे हैं ये रिटर्न कहाँ से निकल के आता है, ये रिटर्न निकल के आता है इन्वेस्टमेंट से। तो ये पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट किया है। अब स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी है तो देख लेते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का यदि होल्डिंग देखें तो इसने लार्ज कैप में 28.78% पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, स्मॉल कैप में इसने 66.93% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से इन्होंने अपने फंड को बैलेंस किया हुआ है, स्मॉल कैप में रिस्क भी ले रहे हैं और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करके। वहीं पे SBI स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग देखें तो लार्ज कैप में 0% है, यानी 1 रुपया भी इस लार्ज कैप में नहीं डाला गया है। ये 31 मार्च 2024 का डाटा है और ये जो होल्डिंग्स है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि आपका ये फिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। मिड कैप में 6.75% है, स्मॉल कैप में इन्होंने ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, 86.27% जो पैसा है वो स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। टॉप होल्डिंग्स इनकी आप देख सकते हैं कौन कौन से कंपनी में उन्होंने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार ये कंपनियाँ आगे चल के परफॉर्म करेंगी, अच्छा रिटर्न देंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10.08% पैसे को इन्वेस्ट किया है, जियो फाइनेंशियल में इन्होंने 7.3% इनके स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल में इन्होंने 3.3% पैसे को इन्वेस्ट किया है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स में 3.09% पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि SBI स्मॉल कैप की टॉप होल्डिंग्स देख सकते हैं, ब्लू स्टार में इन्होंने 4.7% पैसा रखा है, निफ्टी 50 ये सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रैल के लिए, इन्होंने निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शंस इन्होंने ले रखा है, 4.42% निफ्टी 50 में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इंडेक्स में, जो कि इन्हें लगता है कि भाई ये रिटर्न हमें अच्छा जनरेट करके दे सकता है, इसलिए यहाँ पे एक्सपोजर कॉल ऑप्शन और फ्यूचर्स में लिया गया है। कल्पातरु प्रोजेक्ट्स में 3.79%, चैलेट होटल्स में 3.37, इतना पैसा जो है इनकी टॉप होल्डिंग्स में इन्वेस्ट किया गया है। वहीं पर यदि टॉप सेक्टर्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप ने फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा अपना एक्सपोजर लिया हुआ है, एनर्जी में भी ज़्यादा है, मेटल एंड माइनिंग्स 10.75%, क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर्स पे किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से एनर्जी सेक्टर डेवलप करेगा, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में कर रखा है, मेटल माइनिंग्स में भी, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो डेवलप हो रहे हैं आने वाले समय में भी ये डेवलपमेंट होंगे तो उसमें मेटल्स और माइनिंग्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, तो ऐसे सेक्टर में भी पैसे को डाला गया है, हेल्थ केयर में भी पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। लेकिन SBI स्मॉल कैप में देख सकते हैं फाइनेंशियल में 16.88% है, सर्विसेज में इन्होंने 15.57% डाला है, कंज्यूमर्स में इन्होंने 13.77%, कैपिटल गुड्स में 11.04% इनकी होल्डिंग्स की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जिसके आधार पे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में काफी ज्यादा आसानी होती है, और आपको वो रेशियो देखना चाहिए क्योंकि उससे आपको एक क्लू मिलता है कि कौन से फंड हमारे लिए रिस्की है, कौन सा फंड रिस्की नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, यानी वॉलेटिलिटी, यानी ये एक रिस्क को दिखाता है फंड के, तो आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 20.09% यहाँ पे रिस्क को शो कर रहा है और स्मॉल कैप में 11.53% रिस्क को शो कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में जो भी गिरावट आती है, मार्केट में जो तेज़ी आती है, तो जो आपकी गिरावट होती है वो आपकी तेज़ी से क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो वो फंड पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में जो गिरावट का फेज था और जो तेज़ी का फेज था वो किस तरीके
तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है, उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, वो कितना डेविएशंस उसका हो रहा है, वो परसेंटेज यहाँ पे दिखाता है। तो जितना हाई रहेगा उतना रिस्क उसको दिखाता है, यानी कि स्मॉल क्वांट स्मॉल कैप फंड में 20.09 ही, मतलब ये काफ़ी हाई रिस्की फंड है एज़ कम्पेयर टू SBI स्मॉल कैप फंड। और हाई रिस्क फंड होने की वजह से इसके रिटर्न्स भी क्या हैं, हाई हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है शार्पी रेशियो। ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिस्क टू एडजस्टेड रिटर्न, यानी कि जो आपकी रिस्क आप ले रहे हैं इस फंड में और वो रिटर्न जब जनरेट करके दे रहा है तो वो कितना एडजस्ट हो सकता है, उसका एक परफॉर्मेंस यहाँ पे एक रेशियो यहाँ पे बताया गया है। तो जितना ज़्यादा देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका शार्पी रेशियो भी ज़्यादा होता है। और ये तो जेन्युइनली एक सही बात है, क्योंकि यदि आप रिस्क लेंगे तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हैं 1.74 का शार्पी रेशियो है, वहीं पर यहाँ पर आपका 1.51 का शार्पी रेशियो है SBI स्मॉल कैप में। वो इसलिए है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कम है और इसलिए शार्पी रेशियो भी यहाँ पे कम हो जाता है। नेक्स्ट है अल्फा। अल्फा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये दोनों हाई हैं तो बेंचमार्क को तो बीट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि क्वांट स्मॉल कैप फंड की अल्फा देखें तो 9.58 है अल्फा, मतलब कि ये अपने बेंचमार्क को कितने से बीट कर रहा है। तो 9.58 से ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, इसलिए इसको अल्फा कहते हैं। ठीक है, और SBI स्मॉल कैप को देखें तो यहाँ पे ये 4.79 जो कि काफ़ी कम है, यानी कि ये अपने बेंचमार्क को 4.7 से ही केवल बीट कर पा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। तो क्वांट स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.70% है और SBI स्मॉल कैप का 0.69% का एक्सपेंस रेशियो है, तो बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस इसमें है। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल यदि हम इन दोनों फंड्स को हमने अभी कंपेयर किया कई सारे पैरामीटर्स के आधार पे देखा, तो आप दोनों में से आपको डिसीजन लेना कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना। सबसे पहली बात, यदि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है, यदि आपकी एज कम है और आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं और हाई रिटर्न आप एक्सपेक्ट करना कर रहे हैं, तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड को आप चूज़ कर सकते हैं अगले 10 से 15 साल के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आप AUM वाइज जाना चाहते हैं कि मतलब हमें AUM वाइज जाना ज़्यादा जिसका AUM है उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप SBI के स्मॉल कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा और आप भी डिसीजन अपना ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड बेटर हो सकता है। दोनों ही फंड अपने जगह पे सही हैं, डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल और काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो एक ओवरऑल आप इन दोनों फंड्स में रिस्क वाइज यदि चलेंगे, AUM वाइज चलेंगे, तो मैंने बता दिया उसके अनुसार आप फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों मित्र यारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।